क्या हरियाणा को धार्मिक दंगों में झोंकने की साजिश रची गई? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हरियाणा के लोग बहुत सीधे साधे सरल स्वभाव के हैं, आपस में मिलजुल के सौहार्द से रहते हैं, कोई धार्मिक हिंसा का पुराना इतिहास नहीं है। इसके बावजूद नूह में और प्रदेश के बाकी कई इलाकों में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ वो साफ किसी साजिश की तरफ इशारा करता है। लेकिन इसमें सरकार की जो भूमिका रही वो उससे भी ज्यादा संदेहास्पद है, वो उससे भी ज्यादा निंदनीय है। जब पहले से इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, ये संवेदनशील मामला है, ऐसी स्थिति में दूसरे जिलों की फोर्स को भी ऐसी जगहों पर तैनात किया जाता है, लेकिन इस मामले में वीआईपी ड्यूटी करने के लिए नूह के सैकड़ों पुलिसकर्मियों को जिले से बाहर भेज दिया जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी सीनियर अधिकारी की छुट्टी मंजूर नहीं की जाती है, मंजूर भी हो तो कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस अधीक्षक नूह के उस दिन छुट्टी पर थे, उनकी छुट्टी सरकार ने इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद क्यों मंजूर की? ये ऐसे सवाल हैं जो सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, जो साफ बताते हैं कि पहले से इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद सरकार अमन कायम रखने में, शांति कायम रखने में पूरी तरह से विफल रही, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में पूरी तरह से विफल रही। और अगर ये कोई सोची समझी साजिश थी तो इस पूरी साजिश में सरकार की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को और गृह मंत्री अनिल विज जी को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और अनिल विज जी जो गृह मंत्री प्रदेश के हैं उनको फेल होने के चलते उनके इस्तीफे की मांग करती है। और स्पष्ट तौर पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिन होमगार्ड ने, जिन पुलिसकर्मियों ने अपनी जान दांव पर लगाई, उन पुलिसकर्मियों को जो मृतक हैं, जो शहीद हुए अपनी ड्यूटी करते हुए, उनको जो कॉम्पनसेशन दिया गया सरकार की तरफ से वो भी नाकाफी है। हमारी मांग है कि ऐसे किसी भी शहीद व्यक्ति के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जानी चाहिए और इस पूरी घटना की जांच निष्पक्ष रूप से हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को और गृहमंत्री अनिल विज जी को तुरंत प्रभाव से अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए।